जब तक भूषण को जेल में नहीं डालेंगे इतना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बोले थारे यूट्यूब पे जाता हुआ प्रेस में जो मोदी मीडिया है वादा देती नहीं कहीं भी, वो तो अपने गीत गाँव है। कर्नाटक का रिजल्ट आ गया जब करा है। तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, देश के लिए खेलने वाले। इसे हालत बना दी इसने, इस देश में हिंदू मुसलमान। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। लगातार महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, मांग की जा रही है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की। वहीं दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो लोगों के लिए व्यवस्था की गई है इतनी गर्मी में, ताकि वो आके पानी पी सकें। और यहाँ पे आंदोलन में लगातार लोग आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार लोग कभी मटकी फोड़ रहे हैं तो कभी इनसी टेप लेके अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और बेटियों का समर्थन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? तो मेरे सुरेंद्र पाल सिंह मेरा नाम है, मैं जिला बुलंदशहर शहर से हूँ। मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का राइटर था, और आज जो हमारी जो महिला पहलवान जो बेटियाँ हमारी जंतर मंतर पर अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है, और अहंकारी सरकार, अहंकार में डूबे हुए सरकार के लोग उनकी आवाज़ सुनने को राजी नहीं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ब्रजभूषण जैसे दुराचारी इंसान को बचाने के लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है, और मैं अपने देश के युवाओं, नौजवानों और माता और बहनों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज अगर यदि आप संगठित नहीं हुए तो आने वाले समय में हमें अपने मान सम्मान से इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा, हमें संगठित होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप कुछ गीत लिख के ले आए हैं इन महिलाओं के समर्थन में। तुम इनके साथ आ जाओ, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, तुम इनके साथ आ जाओ मेरे देश के खिलाड़ियों, इन बहनों को न्याय दिलाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, ऐसे ना इनको न्याय मिलेगा साथ में इनके आना होगा, ऐसे ना इनको न्याय मिलेगा साथ में इनके आना होगा, आओ मिलकर भाइयों बहनों तुम आओ देश की नारियों, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, इन बहनों को न्याय दिलाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, तुम स्वाभिमान से जीने वालों इन बहनों का सम्मान बचा लो, तुम स्वाभिमान से जीने वालो इन बहनों का सम्मान बचा लो, आओ मिलकर आवाज़ उठाओ, आओ मिलकर आवाज़ उठाओ ओ नौजवान मेरे साथियों, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, इन बहनों को न्याय दिलाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, तिरंगा तुम लहराने वाले देश के लिए खेलने वाले, तिरंगा तुम लहराने वाले इनका ना अपमान कराओ, इनका ना अपमान कराओ ओ मेरे देशवासियों, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। ये गाना आप खुद लिखे हैं? बेटा मैं किसान आंदोलन का राइटर था, मैं किसी भी समय किसी भी आधार के कविताएं या गाने मैं लिख देता हूं, और मैं इस तरह के गाने मैंने अभी भी और कई गाने महिला पहलवानों के फेवर में लिखे हैं, और मैं लिखता रहूंगा, और जैसे ही मुझे समय मिले मैं आता रहूँगा। लगातार लोग समर्थन दे रहे हैं बेटियों के लिए, तमाम तरीके से लोग समर्थन दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हैं बेटे। तो बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों? ये सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में तो बैठना ही है। ये तो बेटे आप प्रेस में हो, आप भी महिला हो, ये तो अपना आवाज़ उठवानी चाहिए। प्रेस जब आवाज़ देगी है? हम तो बैठे हैं और न्याय लेकर जाएंगे। यहाँ चाहे 2 साल और लग जाओ, चाहे 3 साल लग जाओ, जब तक भूषण को जेल में नहीं डालेंगे इतना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ब्रजभूषण ने, मोदी जो सरकार बैठी है, मोदी आँख मीचे बैठा है, जो मन की बात करता है, इसने ये बच्चे नहीं दिखते जो देश की शान है। एशिया बैसी में 50 गोल्ड मेडल, 37 गोल्ड मेडल नीचे थे,
अब ये बताओ, अब ऊँ तो एक गोल्ड मेडल ना, जब तो भारत की बेटी हो जाए, अब ये कहें किसी विशेष जाति की बेटियां हैं, हैं? ये तो थारे प्रधानमंत्री के बयान हैं, जिसने ये नहीं पता घर कैसे चलाना है। घर चलाने के लिए जो गृहस्थी आदमी होता उसी ने पता होता घर कैसे चला। ये बच्चे पहलवान बनाए गए, उनके माँ बाप से पूछो कितनी हिम्मत करी है उन्होंने, कैसे कैसे काम करे हैं, कैसे कैसे उनकी ट्रेनिंग कराई गई। तो ये तो बेटे सरकार के हाथ में है, उसका इस्तीफा हो जाता अब तक तो सारा काम खत्म हो जाता। रिजाइन देगा भाई ठीक है, अगला इलेक्शन आऊगा, इंक्वायरी चला देते, झूठ की झूठ और साथ के साथ नरको टेस्ट के लिए लड़की देते तैयार है और वे तैयार नहीं होते। क्या क्या भाई उसने, ये बताओ बेटे क्या भाई है। जो बच्ची इतने दिन से बैठी थी और अपनी इज्जत को दबाए बैठी थी, आज वो इस्तीफा हो गया ब्रजभूषण का अध्यक्ष पद से। अरे बेटे जब कल वो रिजल्ट आ लिया ना, इसमें भी राजनीति थी क्या है? हाँ राजनीति थी उसमें, बिल्कुल राजनीति थी। ये कर्नाटक के चुनाव के उसमें बैठे थे, अब करना पड़े तो सब पहले निकले थे यहाँ, यहाँ पहले दिखा थे जिस दिन कर्नाटक का चुनाव हो जाएगा उसके बाद बोल लेगा। अब उसने पकड़ कर बंद करो जेल में, इस्तीफा हुआ है ना, वो तो ये कहता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, खुद ब्रजभूषण के बयान है जब तक मोदी नहीं कहेगा मैं रिजाइन नहीं दूंगा। ये तो आम अर्थ में तो पता होना चाहिए, तुम तो बेटे सारे को घूमो हो, प्रेस में भी हर एक चीज़ है प्रेस के पास, पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजा। तो देखो बेटे मीडिया पे भी भरोसा नहीं रहा आप लोग को? नहीं रहा, जो मोदी मीडिया उस पर नहीं है, जो ये आपके जो यूट्यूब आप आते हैं ना वो देते हैं ठीक। अब देखो परसूत वाजपेयी होता था सच्चाई देता था, वो उड़ा दिया इन्हें, रवीश कुमार उड़ा दिया इन्हें, और वो एक संदीप चौधरी था वो उड़ा दिया इन्हें, जो इनकी सच्चाई उजागर कर उसी को भगा देते हैं। अब आपके तो सारे यूट्यूब पर जाएंगे, आपके आने तभी भेजे नहीं। अब वो मीडिया जो इसकी है मोदी मीडिया वही चला रही है देश में, वो सारी वो झूठ हो झूठ को साची बना दे, साची को झूठ बना देते हैं। प्रेस इसकी होगी, मीडिया इसका होगा, न्यायालय इनका होगा, CBI इसकी होगी, बता रहे क्या गा? जनता पिट्टे जाओ मरे जाओ। बेटे ये बताओ आपकी तो उम्र बहुत, हमारी 74 साल की उम्र है, अभी बहुत टाइम देगी। अगर यही चला ना इस देश में ग्रह युद्ध हो जाए ना, हम अपने माँ बाप से पैदा नहीं, इसे हालत बना दिए इसने। इस देश में हिंदू मुसलमान फड़ा, ये मुसलमान तो पैदा भी छाड़े या इनको काट के दिखा दो, ये मान जाएंगे, इनको भरो ट्रेनों में और गेरो पाकिस्तान में, मान जाएंगे आप? एक बार एक अडवाणी पाकिस्तान में गया, अडवाणी मजार पर चला गया, कोई भी बुजुर्ग आदमी हम जाएंगे किसी मंदिर धर्मशाला में तो कुछ दान देना देख आएंगे, उसने एक वो चढ़ा दिया उस पर चादर, इन देश में बाउंडर मचा दिया। और यो बिना बलाए यो जो पाकिस्तान का पूरा पहला प्रधान थी उसके घर आ गया, उसकी छोरी के ब्याह में गया, उसकी माँ का उसकी साड़ी लेकर गया, बिना बलाए चला गया, और ये चुस्के नहीं। तो आप लोग साफ तौर पे देख पा रहे होंगे महिला पहलवानों के साथ युवा ही नहीं, देश के बुजुर्ग भी हैं, किसान हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे जो महिला पहलवानों का समर्थन देने कभी मटकी फोड़ के तो कभी गीत के माध्यम से समर्थन दे रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।